वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीमैक 2025 के बारे में। अब गाइस आप लोगों को सबसे पहले एक चीज बता दूं कि आयुष और अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखते तो आपको सीमैक 2025 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। इनके अगर कुछ भी आपको डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में बताकर उसे क्लियर कर सकते, लेकिन कुछ भी डाउट आपके माइंड में बचेगा ही नहीं क्योंकि इस वीडियो में हम सीमैक को लेकर सारी डिटेल डिस्कस करने वाले, लाइक योर एप्लीकेशन फॉर्म, योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एग्जाम की डेट, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, नोटिफिकेशन, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सीमैक की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सबसे पहले आप देखेंगे सीमैक का फुल फॉर्म। तो सीमैक स्टैंड्स फॉर कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। ये एग्जाम कंडक्ट ऑर्गेनाइज NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू कराया जाता है। इसका एप्लीकेशन गाइस यहाँ पे जो है एग्जाम और एप्लीकेशन दोनों ऑनलाइन मोड में होगा। आपको इस एग्जाम के थ्रू PG मैनेजमेंट कोर्सेज में एडमिशन मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम के फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो साल में एक बार आप लोग एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। नेशनल लेवल का एग्जाम है, पूरे इंडिया में आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। ड्यूरेशन एग्जाम की 180 मिनट दी जाएगी। अब गाइस इस एग्जाम को देने का बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, तो आपको बता दूं AICTE अप्रूव इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस, जो ये सारी कॉलेजेस जो है सीमैक के स्कोर के बेसिस पे आप लोगों को जो है यहाँ पे एडमिशन देगी मैनेजमेंट कोर्सेज में, लाइक PG मैनेजमेंट कोर्सेज लाइक MBA, PGDM एक्सेट्रा। तो अगर आपको PG मैनेजमेंट कोर्सेज में एडमिशन चाहिए यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस इंडिया, तो आप इस कोर्स को क्वालिफाई करके एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम डेट्स की। तो गाइस यहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो है मोस्ट प्रोबेबली मार्च के मिड में रिलीज होगा। एग्जाम आपका मई के थर्ड वीक में कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ऑल्दो अभी तक ऑफिशियल अथॉरिटी ने डेट्स अनाउंस नहीं किए हैं, जैसे डेट्स अनाउंस हो जाएगी उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट कर देंगे। लेकिन उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जैसे यहाँ पे जो है हम अपडेट करेंगे कि डेट्स अनाउंस हो चुकी है, सो डेट्स पे सो इवेंट होने वाला है तो आपको नोटिफिकेशन वीडियो की मिल पाए। अब आते हैं हम नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो गाइस आप लोग का जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं तो एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किस तरह से करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको एप्लीकेशन प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होता है, प्रोवाइडिंग सम बेसिक डिटेल्स लाइक योर नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिकेशन एड्रेस। अब ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक प्रोवाइड करा दिया है। उस लिंक में जो भी डिटेल्स मैं बता रहा हूँ वो सारी डिटेल्स भी मेंशन है और प्लस आपको ऑफिशियल लिंक भी मिल जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन के बाद गाइस फिर आप लोगों को जो है अपनी पेरेंट्स की डिटेल्स एंटर करनी है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंटर करनी है। उसके बाद जैसे आप लोगों को फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना और लास्ट में एप्लीकेशन फी पे करना होगा। इतना प्रोसेस कर लेते तो वेल गुड, आप लोगों का एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। बाकी जो एप्लीकेशन फीस की, तो गाइस जनरल कैंडिडेट मेल के लिए 2000 है, फीमेल के लिए 1000, ट्रांसजेंडर के लिए 1000 और जनरल EWS, SC, ST, OBC मेल के लिए 1000 एंड फीमेल के लिए भी 1000। तो ये आपके एप्लीकेशन फीस थे। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्योंकि अगर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना कंपलसरी मैंडेटरी है। सबसे पहले तो आप भारतीय नागरिक रहने चाहिए, कोई भी एज लिमिट यहाँ पे नहीं है। क्वालिफिकेशन की बात किया तो बैचलर डिग्री लेनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में तो आप लोग एलिजिबल हो। अपियरिंग कैंडिडेट इवन अगर लास्ट ईयर में हो तो भी आप एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। सो गाइस एग्जाम आप लोगों का जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोगों का पेपर लिया जाएगा। टोटल 180 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम, तो हर एक से आंसर पे 4 मार्क्स दिए जाएंगे, गलत आंसर पे 1 मार्क्स आप लोगों का यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा, ये आपकी मार्किंग स्कीम रहेगी। सेक्शन वाइज अगर बात की जाए तो लॉजिकल रीजनिंग में आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉर 80 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन फॉर 80 मार्क्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन में 20 क्वेश्चन फॉर 80 मार्क्स, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में अगेन 20 क्वेश्चन फॉर 80 मार्क्स और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में 20 क्वेश्चन फॉर 80 मार्क्स, विच मीन 100 क्वेश्चन फॉर 400 मार्क्स आप लोगों का ये जो है मार्किंग स्कीम, ये वेटेज आप लोगों का रहेगा। सो गाइस अब इसके अलावा अगर आप लोगों को और डिटेल जानना है, सिलेबस चाहिए या एग्जाम सेंटर की लिस्ट चाहिए, तो गाइस डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड करा दी गई है, उस लिंक से आप गो थ्रू कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आप लोगों को वहां पे मिल जाएगी। एंड नाउ आई होप आप लोगों को सीमैक 2025 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कोई डाउट है तो ये भी आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी पूरी मदद करेंगे। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जो इसके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।